टिंकू का अजब गजब दिन। आज तो लंच में मैडम सबको मीठे मीठे फल देने वाली है। मैं जल्दी से काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगा मीठे मीठे फल। अरे ये क्या हो गया? ओ नहीं, ये तो पूरा टूट गया। अब टिंकू को फिर से बनाना पड़ेगा। ये आखिरकार टिंकू का काम पूरा हो गया। हो गया पूरा ये काम। अब खाऊंगा फल मीठा मीठा। अब ये लो टिंकू, तुम्हारे लिए ये अमरूद। अमरूद? पर टिंकू को नहीं खाना ये। टिंकू को तो आम या केला खाना है। वो सब तो खत्म हो गए। मैडम खत्म हो गए? आज तुम अमरूद खाओ, ये भी स्वादिष्ट है। आम या फिर केला फिर कभी खा लेना। अमरूद कौन खाता है? टिंकू को ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे टिंकू? हाँ जरूर। ये क्या किया तुमने गप्पी? बॉल घुमा दी। एक ही बॉल थी मेरे पास। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। क्या हुआ टिंकू? कुछ नहीं, टिंकू का दिन खराब है। मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा? वो क्या होता है? जब आपको कोई बात बुरी लगती है, या हम जो करना चाहते हैं या जैसा करना चाहते हैं वो नहीं होता, तो हमें गुस्सा आता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुस्सा ही आ रहा है? तुम गुस्से से लाल हो रहे हो, तुम्हें देख के ही लग रहा है। तुमने अपने हाथ कितने जोर से बांध कर रखे, आंखें भी भीगी हुई हैं और माथे पर ये लकीरें, ये सब बता रहा है कि तुमको गुस्सा आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें आज जो कुछ भी हुआ उससे गुस्सा आ रहा है। तुम जानते हो, कुछ दिन पहले मुझे भी तुम्हारे जैसे ही लग रहा था। क्यों? क्या हुआ था? मैं बहुत सुंदर ड्राइंग बना रही थी। मुझे लग रहा था कि वो आज तक का मेरा सबसे सुंदर ड्राइंग है। वो पूरा होने ही वाला था कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और क्या स्माइली? मेरा वो ड्राइंग वाला कागज तेज हवा के कारण पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा तब। सच कहूँ तो हाँ, बहुत गुस्सा आया था। गुस्से वाली तो बात ही है, फिर क्या किया तुमने? जब मैं गुस्से में मेरा ड्राइंग बाहर ढूंढ रही थी, तो मैंने देखा कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। फिर मैंने लंबी गहरी सांसें लेना शुरू किया। जैसे जैसे मैं लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ रही थी, वैसे वैसे मानो मेरा गुस्सा भी शांत हो रहा था। अच्छा, तुम भी करके देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम सही कह रही थी स्माइली, मुझे लग रहा है जैसे मेरा गुस्सा सांस छोड़ते हुए मेरे शरीर से बाहर निकल रहा हो। क्या कर रहे हो बच्चों? मैडम, स्माइली ने टिंकू को गुस्सा शांत करने का एक शानदार उपाय बताया है। तो क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ टिंकू? पूरी तरह नहीं। तो लो, आराम आराम से थोड़ा पानी पियो। मुझे बेहतर लग रहा है। बच्चों, तुम्हें पता है, पानी पीने और गहरी सांस लेने के अलावा गुस्सा शांत करने के और भी कई तरीके होते हैं। सच में मैडम? हाँ, अपनी पसंद की चीजें करना, जैसे रंग भरना, गाना सुनना, पार्क में बड़ों के साथ टहलना, या फिर अपने घर वालों से बात करना, और हाँ, खुद से प्यार से बात करना भी एक तरीका हो सकता है। टिंकू समझ गया मैडम। थैंक यू स्माइली, टिंकू की मदद करने के लिए। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? इस बारे में अपने दोस्तों और परिवार को बताएं। और हाँ, गुस्सा आने पर इस वीडियो में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करना ना भूलें।
बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।